नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं आयशा अहमद। आज हम आपको स्प्रिंग रोल्स बनाने की रेसिपी सिखाएंगे। स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत है उसमें चिकन आधा किलो, ऑयल दो खाने के चमचे, नमक डेढ़ टेबल स्पून या हसबे जायका, काली मिर्च डेढ़ टेबल स्पून, सोया सॉस डेढ़ टेबल स्पून, चिली सॉस डेढ़ टेबल स्पून, विनीगर डेढ़ टेबल स्पून, चिली गार्लिक सॉस डेढ़ टेबल स्पून, टोमेटो केचप डेढ़ टेबल स्पून, बंद गोभी एक छोटी, गाजरें दो अदद, शिमला मिर्च दो अदद, स्प्रिंग ऑनियन दो से तीन अदद, नूडल्स का पैकेट क्वार्टर। तरकीब, बोनलेस चिकन को धोकर साफ करके रख लें। तमाम सब्जियों को धोकर चॉप कर लें। डेढ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन। सबसे पहले एक कढ़ाई में ऑयल डालें। ऑयल डालकर दरमियानी आंच पर अदरक लहसुन को भूनें। जब अदरक लहसुन में से खुशबू आने लगे तो इसमें बोनलेस चिकन डालकर इसको अच्छी तरह से भूनें। जब चिकन अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए और उसका रंग चेंज होने लगे तो इसमें तमाम सॉसेस डाल दें, जिसमें चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, टोमेटो केचप और चिली गार्लिक सॉस, ये तमाम शामिल करें और इसको अच्छी तरीके से पकाएं। नमक और काली मिर्च भी इसी टाइम पर शामिल कर दें। जब ये अच्छी तरह पकने लगे और पानी खुश्क होने लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा देकर इसको अच्छी तरह से पकाएं। जब चिकन गल जाए तो इसमें आप सबसे पहले गाजरें शामिल करें और गाजरों को फ्राई करें, इसके बाद बंद गोभी डाल के फ्राई करें और शिमला मिर्च डाल के फ्राई करें। सबसे आखिर में आपने स्प्रिंग ऑनियंस डालकर इसको फ्राई करना है। अब जो सवैयाँ थी, आप एक खुले बर्तन में पानी गर्म करें। जब पानी अच्छी तरह से बॉयल हो जाए तो इसमें नूडल्स डाल दें। जब नूडल्स अच्छी तरीके से पक जाएं, 6 से 7 मिनट में नूडल्स पक जाएंगे। जब आप बॉयल वाटर में नूडल्स को डालेंगे उस वक्त आपने 1 टेबलस्पून ऑयल उस पानी में शामिल करना है जिसमें आप नूडल्स पका रहे होते हैं। इस तरह नूडल्स आपस में चिपकेंगे नहीं। अब आपने 6 से 7 मिनट तक इसको बॉयल करना है, क्योंकि एग नूडल्स बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं। इसके बाद इसको फिल्टर करके आपने जो चिकन का बैटर तैयार किया हुआ है इसमें ये नूडल्स शामिल करके नूडल्स को भी अच्छी तरह फ्राई कर लें तमाम मसाले के साथ। अब मसाले को चक्कर देखें। यहाँ इस टाइम पे आप इसमें मिर्च और नमक तेज़ कर सकते हैं। आप चेक कर लें और उसके बाद चूल्हा बंद करके इसको उतार लें। हल्का ठंडा होने पर आपने रोल की एक एक पट्टी लेनी है, उसको पहले टर्न करना है थोड़ा, उस पे आपने ये बैटर डाल देना है और इसको दोनों तरफ से मोड़ देना है। जब इसको आप दोनों साइडों से मोड़ेंगे इसके बाद आपने जिस पर बैटर डाला है उसको अच्छी तरह से रोल करके मोड़ देना है और आखिर में मैदे की लई घोलकर उसको हल्का हल्का से रोल के आखिरी टिप्स पर लगा के इसको चिपका देना है। मैदे की लई बनाने के लिए आपको मैदा 3 से 4 टेबल स्पून और पानी हसब ज़रूरत। इसको इतना पानी में घोलें कि वो एक लई की शक्ल इख्तियार कर ले। इसके ज़रिए आपने रोल को पैक करना होता है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगली रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद आपके लिए नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। हमारे कंटेंट से मुतालिक अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।